राजस्थान विधानसभा में कोरोना वायरस से बचाव के संदर्भ में प्रदेश की तैयारियों का सवाल भी सदन में उठा। कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार से समुचित व्यवस्थाएं करने की मांग की, जिसके जवाब में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और उपचार के लिए विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी जो चीन में प्रारंभ हुई, बताया जाए अधिकतर मांसाहार से हुई, उसमें 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 42,000 से ज़्यादा लोग इसके बीमार पाए गए और यह बीमारी धीरे धीरे विश्व के 27 देशों में आ चुकी है और भारत को भी एक संवेदनशील उसमें बीमारी फैलने का एक देश माना गया है और यहाँ पे कई लोग काम करते हैं, यहाँ तक कि इसके कारण आज 14,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। उसमें IT कंपनी में भारतीय लोग काम करते हैं, दवा उद्योग में करते हैं और टूरिज्म उससे प्रभावित हुआ है। इसके कारण से धीरे धीरे यह भी बताया जा रहा है कि हवा के माध्यम से भी ये संक्रमण होना शुरू हुआ है। एयर सोल जो हवा में बूंदे पाई जाती है उसके माध्यम से बीमारी फैलने का डर बताया गया है और इसमें राजस्थान के जालौर, अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, मकराना आदि कई जिलों से हजारों लोग काम कर रहे हैं। विशेष रूप से केवल IT में ही 22,000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग प्रभावित हैं। यह बीमारी भारत के 34 लोग तो लौटे हैं, उसमें राजस्थान के भी कुछ लोग लौटे हैं, तो सरकार इस समय किसी प्रकार की इस बीमारी को रोकने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। इसके लिए जो PPE जो किट होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा किट, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से मांगती है कि इस PPE किट को भारत में व्यवस्था करें, राजस्थान में अस्पतालों में उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी राजस्थानी इससे बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, कोई मरे नहीं, इसकी व्यवस्था करें। कोरोना वायरस को लेके जितनी संवेदनशीलता राजस्थान सरकार ने बरती है, पहले एक MBBS जो कर रहा था बच्चा, वो आया संदिग्ध लगा, ऐसे में अस्पताल में इसी दिन निर्देश दे दिए गए कि इनको आइसोलेशन में रखा जाए, ऊना की वायरोलॉजी लैब में उनके सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजे गए, वो सैंपल नेगेटिव आए, वो हमारे लिए सुकून की बात थी। उसके बाद ये प्रयास किए गए कि यही जांच की सुविधा डेवलप कर दी जाए, SMS अस्पताल में सैंपलिंग की जाँच यहाँ पर शुरू हो गई। अभी तक करीब करीब 71 लोगों के सैंपल लेके उनकी जांच हुई है, सारे के सारे नेगेटिव आए और जो लोग वहाँ से आए हैं उन पर 28 दिन तक निगरानी रखने का जो कार्यक्रम सरकार ने चला रखा है, पहले फेज में 18 लोग आए थे 4 दिनों से, 28 दिन का निगरानी का पीरियड उनका ख़त्म हो गया, वो सेफ जोन में है। एयरपोर्ट पे जिस तरह से स्क्रीनिंग कर रही है राज्य सरकार और हमारे विभाग के अधिकारी, क्योंकि ये भयावह वायरस है, जानलेवा वायरस है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने बहुत सावधानी बरतते हुए राजस्थान में जो भी इस दौरान चाइना से आया है, चाहे टूरिस्ट है चाहे भारत का व्यक्ति वहाँ घूमने गया, उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग करने का काम राज्य सरकार कर रही है।